केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सिरसा आ रहे हैं। सिरसा में रैली को लेकर के अलावा गृह मंत्री अमित शाह बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत चौटाला के घर भी आएंगे। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में रणजीत सिंह चौटाला ने रैली स्थल के महत्व के बारे में बताया कि अब से पहले कौन कौन से बड़े नेता इस मैदान से अपनी बात रख चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सिरसा में आ रहे हैं और सिरसा में बिजली मंत्री रणजीत सिंह के घर पर भी वो आएंगे। फिलहाल तैयारियां किस तरह से रणजीत सिंह के घर पर की जा रही है, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से इस घर को, मसलन जो बिजली मंत्री रणजीत सिंह का घर है, उसको एक तरह से सजाया जा रहा है। तैयारियां यहां पर की जा रही है। ना सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी रणजीत सिंह के घर पर आएंगे। रणजीत सिंह जी भी हमारे साथ है, उनसे भी तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे घर को फूलों के साथ सजाया जा रहा है, कुर्सियां यहां पर लाई जा रही है और व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। क्या कुछ ये कार्यक्रम रहेगा और किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, तमाम पहलुओं पर बातचीत कर लेते हैं। चौटाला साहब, यही जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह से आ रहे हैं अमित शाह जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे सिरसा के लिए कितना महत्वशाली है ये दौरा। देखिए, जब देश का गृह मंत्री, बहुत गृह मंत्री बने हैं, चाहे चरण सिंह बने, आडवाणी जी बने, पर लोग गिनते हैं सरदार पटेल के नाम के बराबर अमित शाह जी का नाम आता है। जो कश्मीर का मामला किया वो इस देश के एक इतिहास में अनप्रेसिडेंट मामला है, और उनका विजिट करना, माननीय मुख्यमंत्री जी का विजिट करना मेरे लिए बहुत सम्मान और मेरे लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। अब मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि देश के गृह मंत्री, जो बहुत लो पुरुष जिन्हें हम कहें, वो मेरे घर आके चाय पी रहे हैं, जलपान लेंगे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सिरसा में आएंगे, सिरसा जिले का ये सौभाग्य है कि हरियाणा में जो उनका कोई प्रोग्राम बना है वो हमारे जिले में बना है। इस करके पूरा जिले का पूरे लोग उन्हें सिर आंखों पर बैठाएंगे, जबरदस्त भीड़ होगी। मेरा अपना अंदाजा है कि ये भीड़ 70,000 से भी क्रॉस करेगी। एक बार पहले एंटी रामाराव आए थे, तब उस जगह सभा थी, ये बात है 84 की, तो बहुत बड़ी जनसभा थी, और आज जो होगी वो भी वैसे सभा होगी। तो ये मैं देख पा रहा हूँ, आपने घर को अच्छे से फूलों के साथ सजाया है, कुछ खास भी आज रहने वाला है, कुछ फूलों से महकता, जिस तरह से आप ये बना रहे हैं तो पॉलिटिकल भी कुछ महकेगा। देखिए, देश के गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री दोनों जब यहाँ मेरे घर पहुंचे तो उनके लिए ये तो स्वागत है, कुछ नहीं, मैंने एक फूल लगा दिए तो उनके सम्मान में होने चाहिए, जिन्होंने देश के लिए कश्मीर का एक इतना बड़ा काम कराया। और मुख्यमंत्री जी ने सिरसा जिले के विकास में जो उनका योगदान रहा है, खास करके मेरे यहाँ रानिया खाचन से, तो घर आए तो मुझे उनका खैर मकदम करना चाहिए। तो ये अचानक बना प्रोग्राम या किस तरह से रहा सर, पहले से फिक्स था? नहीं, मुझे 4-5 दिन पहले से तय था, मुझे सीएम साहब ने बताया था कि आपके चाय पियेंगे, फिर कल माननीय गृह मंत्री जी का फोन आ गया कल सुबह, चौटाला साहब मैं आपके चाय पियूंगा। मैं जी, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत धन्यवाद, आप मेरे घर आएंगे, स्वागत है। तो चौटाला साहब, चाय पर काफी महत्वशाली चर्चाएं भी रहती हैं, अगर जिस तरह से आप तो निर्दलीय हैं, बीजेपी में बुलाने का उनका ऑफर आता है तो किस तरह से उनको फिर डील करेंगे सर? देखिए, पिछली बार जब मुझे खाली मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, रंजीत सिंह जी हमें अच्छे आदमी साथ चाहिए, आप आए, मैं कहने लगा जी अनकंडीशनल जाऊंगा। देखिए, मोदी जी का नेतृत्व देश में बहुत बड़ा नेतृत्व है। देश आजाद होने के बाद एक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो पहली बार 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। उस वक्त एक महात्मा गांधी का बहुत बड़ा कद था, कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए करा, लोग अंग्रेजों से आजाद हुए थे तो लोगों की एक कांग्रेस थी, पार्टी नहीं थी कोई सामने, कभी स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, और पार्टियां थी नहीं। तो उसके बाद जो भी सरकारें बनी, इंदिरा गांधी को भी 1970 में तीसरा मैंडेट नहीं मिला था, चुनाव हार गई थी, खुद भी चुनाव हार गई थी। बीच में मोरारजी बने, वीपी सिंह बने, चंद्रशेखर बने, वाजपेयी जी बने, एनडीए यूपीए की गठबंधन की सरकारें किसी में 5 थे, पर कोई भी इतना नहीं चला। ये दूसरे देश के प्रधानमंत्री जिनका सदा तक इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि तीसरी बार भी उन्हें सिंगल पार्टी को मैंडेट मिला। 1984 के बाद लेके पिछले, आप समझे कि 16 और 14 में ये बने, 30 साल में सिंगल पार्टी को, अगर बहुमत या एक नेता को, जनमानस के नेता बने हैं। और मैं तो समझता हूँ कि वर्ल्ड में 4 स्टेट्समैन हुए हैं, भगवान ने चाहा तो ये 5वें स्टेट्समैन होंगे वर्ल्ड के, लिंकन है, स्टालिन है, आपके चर्चिल है, उनमें से एक ही रहेंगे। लेकिन सवाल वही रह गया रणजीत जी कि अगर आपको बोलते हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कितने बड़े नेता आप खुद ही बता रहे हैं, तो आप जाएंगे? अनकंडीशनल साथ गया था, मुझे जब ऑफर आएगी तो देखिए मैं उनकी ऑफर का सम्मान करूंगा,
पर अभी कोई चर्चा है नहीं, अभी तो कोई बात करेंगे। अब तो अनकंडीशनल में कोई भी इधर उधर वजह रंजीत सिंह उनके साथ रहेगा। हम छह के छह विधायक 5 साल कमिटेड है उनके साथ है। तो साहब सिरसा को अगर विधानसभा के नजरिए से देखा जाए, पूरे जिले को देखा जाए, तो बीजेपी की परफॉर्मेंस इस एरिया में खासी नहीं रही है। लगता है इस रैली के बाद कुछ बूस्टअप होगा? देखिए, जहाँ भी अमित शाह जी जाते हैं उसका प्रभाव तो पड़ेगा। अमित शाह जी प्रदेश के पॉपुलर मुख्यमंत्री दोनों जब पहुंचेंगे तो उसका जनमानस पे असर तो पड़ेगा। गठबंधन को लेकर भी कुछ चीजें साफ हो सकती हैं आज मंच से, आपको लगता है? क्योंकि मंच पर तो आप भी मौजूद रहेंगे। देखिए, मेरे ख्याल में यहाँ आज गठबंधन की कोई चर्चा नहीं होगी। पहले उन्होंने बार बार कह दिया, जब आए थे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, सबके इलेक्टेड एक नंबर आदमी उन्होंने कह दिया, तो ये कोई विषय नहीं। आज तो केवल उनके स्वागत का मामला। आप भी पहुंचेंगे, और कौन कौन से नेतागण रहने वाले हैं सर? देखिए, सभी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो जिनकी ड्यूटियां लगी हैं, काफी लोग होंगे। मेरे ख्याल में मंच पे 18-20 लोग होंगे। तो कुल मिलाकर फिलहाल रंजीत सिंह चौटाला भी खासे उत्साहित है इस प्रोग्राम को लेकर, और उनके घर पर अमित शाह जी आ रहे हैं। इसके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। बहरहाल तैयारियां यहां पर मुकम्मल कर ली गई है, और एक तरह से सिरसा एरिया की अगर बात कर ली जाए तो सिरसा एरिया के लिए भी खासा अहम दौरा जो है गृह मंत्री अमित शाह का माना जा रहा है। कैंपस राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।